कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं मॉन्स्टर हॉनर फाइट। और यार हॉनर फाइट के अंदर गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं ग्लोबल बैटल का एक्सरसाइज मोड। मैं वो एलाइट वाले मोड की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज मोड की बात कर रहा हूँ जिसमें कि प्लेयर वर्सेस प्लेयर होता है। और भाई साहब, हम आज अपने भाई के साथ खेलने जा रहे हैं, यानी कि हम अपने एक सब्सक्राइबर के साथ खेलने जा रहे हैं जिनका नाम है भाई HD गेमिंग। ठीक है, तो भाई वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर से देखना। हम दो बैटल करेंगे, 1v1 होने वाला है, देखते हैं भाई कौन जीतता है, लास्ट तक ज़रूर से देखना। दो बैटल होगा भाई और तबाही मचने वाली है, बिल्कुल मज़ा तो बहुत ज़्यादा आएगा। वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो यार। 2.4K सब्सक्राइबर ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और 3000 यानी कि 3K सब्सक्राइबर भी सून होने वाले हैं। और जैसे ही होंगे भाई मैं Q&A वीडियो लाऊंगा, ठीक है, तो फटाफट से कंप्लीट करवा दो। यहाँ पे गाइस फाइट के अंदर आ चुके हैं, हमारा पहला बैटल है। यहाँ पे स्टीलिक्स आ चुका है भाई, स्टीलिक्स को मारने के लिए यहाँ पे कायोगर ले लेते हैं। चलो यार, यहाँ पे अब गैस मारने वाला हूँ मैं कोई ख़तरनाक वाला हमला, ठीक है। यहाँ पे मार देंगे गैस हाइड्रो पंप, अगर लगा तो सही है। अरे लग गया, लेकिन भाई इसने पोकेमोन चेंज कर दिया है। अब गैस आ चुका है अलोलन सैंड श्रू, इसे भी गैस मार दिया है हमने एक्वाटेल से, ठीक है। कायोगर के सामने कौन टिक सकता है यार। अच्छा, वीनसौर के लिए भी हमारे पास है एक उपाय, मैं आइस बीम से इसे ख़त्म कर दूंगा। अरे भाई साहब, मेगा इवॉल्व कर दिया, देख रहे हो, मतलब आइस बीम का कोई असर ही नहीं पड़ रहा यार, ये सब कुछ मेगा इवॉल्व की वजह से हुआ। और भाई सामने वाले के विनसोर ने तो भाई मेरे कायोगर को सुला दिया बिल्कुल स्लीप पाउडर करके, मेरा कायोगर बेचारा सो रहा है। अब मुझे ना पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा कुछ भी करके, किसी भी हालत में। भाई लीच सीड भी कर दिया, वाओ भाई, अब ये मेरी हेल्थ खींचता रहेगा इसका विनसोर, और भाई अपनी हेल्थ बढ़ाता रहेगा। अब देखो गाइस मैं क्या करता हूँ भाई। नहीं यार, यही करना था क्या, ये वाला हमला ही करना था यार, क्या भाई स्लीप पाउडर। इस भाई इससे बुरा हमला भाई, मतलब इससे बुरा अटैक पूरे गेम के अंदर नहीं देखा यार, मतलब सामने वाला सो जाता है, कन्फ्यूजन सही है इससे ज़्यादा भाई, कम से कम सोता तो नहीं है। जो भी हो, यहाँ पे गाइस मैंने मेगा इवॉल्व कर दिया मेरे चारिजार्ड को। अब गाइस मैं मारने जा रहा हूँ भाई, अभी तक सो रहा है मेरा चारिजार्ड, कमाल है भाई, तालियाँ इसके लिए, चारिजार्ड के लिए तालियाँ। यहाँ पे गाइस मारेंगे फायर ब्लास्ट, मर जा। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा डैमेज तो कर दिया, लेकिन भाई बच नहीं पाया। अगर लीच सीड नहीं होता ना भाई विनसोर को, तो एक शॉट से उड़ा देता। जो भी हो, यहाँ पे आ चुका है गाइस हो लेजेंडरी हो। अब गाइस मैं मारने वाला हूँ फ्लेम थ्रोवर, विनसोर हो चुका है यहाँ पे ख़त्म। अब गाइस आ चुका है चारिजार्ड, और चारिजार्ड का नाम भी भाई क्या रखा है, गोटेन। एंशिएंट पावर मारेंगे यहाँ पे, टक्कर की लड़ाई भाई, टक्कर की लड़ाई। यहाँ पे एंशिएंट पावर से बहुत अच्छा डैमेज दिया, और मेरा हो यहाँ पे कम हेल्थ का है भाई साहब, थंडर पंच से ही उड़ा दिया, कमाल है यार। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे गाइस पिकाचू। अब भाई साहब कुछ भी हो सकता है, देखो यार यहाँ पे हमारा थंडर ख़त्म, जीत गए। नहीं नहीं, अभी भी भाई जीते नहीं है, अभी भी कुछ और पोकेमोन बच रहे हैं। स्टीलिक्स, अच्छा स्टीलिक्स, मुझे लगा कि मैंने इसे शुरुआत में ही मार दिया स्टीलिक्स को, लेकिन ये अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि शुरुआत में भाई सामने वाले ने चेंज कर लिया था पोकेमोन, ठीक है। और यहाँ पे होने जा रहा है गाइस म्यू वर्सेस स्टीलिक्स। अब देखो भाई, ऑरा स्फीयर मारूंगा मैं, बहुत ही डैमेज भाई, मेरा म्यू इतना भी ज़्यादा डैमेज नहीं देता भाई ऑरा स्फीयर से, ले जितना आज दे रहा है। दोबारा से ऑरा स्फीयर ख़त्म, स्टीलिक्स हो चुका है यहाँ पे ख़त्म, वो भी दो शॉट से, ठीक है। अब गाइस आ चुका है पिजियोट, अरे भाई साहब पिजियोट का भी मेगा इवॉल्व है भाई, कहाँ से पिजियोट को भी मेगा इवॉल्व कर दिया, मेगा पिजियोट। अब गाइस यहाँ पे मारने जा रहे हैं थंडरबोल्ट, अरे भाई डैमेज तो बहुत अच्छा गया, एक और शॉट लग जाता ना, आराम से उड़ जाता ये मेगा पिजियोट एक शॉट से, मतलब थंडर बोल्ट है ना यार, मतलब वो तो असर करेगा ही सामने वाले पर।
अब गाइस बारी आ चुकी है पिकाचू की। अब देखो यार पिकाचू क्या करता है। गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ थंडर तो वैसे ज़ेप्डोस है, पिकाचू को बोल सकते हो तुम लोग बेस्ट बेस्ट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन मान के चल लो भाई, सभी का फेवरेट इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन। और यहाँ पे मेगा पिजियोट को तो उड़ा दिया। अब भाई साहब यहाँ पे आखिरी पोकेमोन जो है वो गाइस है गार्चोम्प, ठीक है गार्चोम्प, और इसका नाम दे रखा है ट्रंक्स। ओ भाई ड्रैगन बॉल के नाम दे रखे हैं अपने पोकेमोन को, सभी का गोटेन ट्रंक्स गोकू वेजिटा सभी का भाई। वैसे मैं भी नेम चेंज करूँगा, नहीं नहीं ऐसा ही सही है, वैसे पोकेमोन का जो नाम है वैसा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि मेन सीरीज़ में भाई कभी ऐसा दिखाया नहीं गया है कि एक ट्रेनर ने भाई अपने पोकेमोन का नाम चेंज कर लिया। वैसे कर सकते हैं, पोकेमोन गेम्स में भी भाई ऑप्शन होते हैं, लेकिन भाई मुझे पसंद नहीं है यार। ट्रंक्स को मारेंगे यहाँ पे, ट्रंक्स अपना भाई स्वर्ड लाना भूल गया शायद से। यहाँ पे स्नोरलैक्स वर्सेस गार्चोम्प हो रहा है, और भाई साहब गार्चोम्प बार बार डिग मारे जा रहा है भाई साहब, पैरालाइज्ड, यही तो करना था मुझे, ख़त्म 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 भाई। स्नोरलैक्स ने पैरालाइज कर दिया था यार, इसने हमला कैसे मारा। जो भी हो यहाँ पे हमारा कायोगर अभी तक बचा हुआ है। अब गाइस देखो मैं क्या करता हूँ, चलो यार वन शॉट से ख़त्म करते हैं। हमारा कायोगर जाग गया और वन शॉट से उड़ा दिया। तो गाइस पहला फाइट जो है तुम्हारा भाई जीत चुका है। अब गाइस होने जा रही है सेकंड फाइट, और पहले फाइट में तो मज़ा ही आ गया। जो भी हो बहुत ज़्यादा टक्कर की फाइट थी, और तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा नूब हूँ मॉन्स्टर हंटर फाइट के अंदर। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं नूब हूँ, मेरे पास अच्छे पोकेमोन भी नहीं है ना कुछ है भाई, ना लेवल है मेरा कितना भाई 55 लेवल ही तो है, बहुत कम है यार। फिर भी भाई मैं प्रो बनने की कोशिश तो थोड़ी बहुत करता हूँ, लेकिन भाई बन नहीं पाता, नूबड़ा ही रहूँगा इस गेम के अंदर मैं। और जो भी हो यहाँ पे सेकंड फाइट में आ चुके गाइस, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ओ भाई साहब, भाई रेक्वाजा कहाँ से भैया, कहाँ से लाते हो ये सब। अब देखो भाई यार मेगा इवॉल्व करना ज़रूरी था क्या, अरे ये तो फाड़ देगा मेरी पोकेमोन की। अरे नहीं ये कौन सा हमला था, एंशिएंट पावर, मेरा अटैक वगैरह कैसे बढ़ रहा है भाई कोई मुझे समझाओ। जो भी हो पूरी जान लगा देंगे इस रेक्वाजा को मारने में, मैं पक्का बोल सकता हूँ ये वाला फाइट मैं हारने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। और भाई साहब अर्थक्वेक, भाई म्यू हवे में उड़ता है, अर्थक्वेक का कैसे भाई इफेक्ट आ रहा है इसके पास। म्यू को फ्लाइंग टाइप देना चाहिए था यार, बस इसे साइकिक टाइप बना रखे तो हवे में भी उड़ सकता है यार। क्या यार अर्थक्वेक से मर गया बेचारा। और जो भी हो यहाँ पे गाइस आ चुका है, हो अब गाइस मैं मारने जा रहा हूँ एंशिएंट पावर। ये फ्लाइंग टाइप है ना रेक्वाजा, इसलिए इस पर रॉक टाइप मूव ज़्यादा भारी पड़ रहा है, लेकिन ये मारने नहीं दे रहा है भाई, वन शॉट से उड़ा रहा है मेरे पोकेमोन को, लिटरली वन शॉट से। कायोगर की बारी, आई होप कि कायोगर को नहीं मार पाएगा, मैं पक्का हूँ पक्का बोल सकता हूँ। फ्रीज हो जा प्लीज़, फ्रीज हो जा, होता है ना फ्रीज भाई, जिससे कि पोकेमोन सामने वाला हमला ही नहीं मार सकता यार, प्लीज़ भाई फ्रीज हो जाता यार। ये बर्फ़ वाले मूव भी एकदम बेकार होते हैं यार, ब्लीजर्ड से लेकर आइस बीम और हेल सारे के सारे बेकार यार, फ्रीज तो होता नहीं है भाई। स्नोरलैक्स को कैसे वन शॉट से, भाई साहब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेगा रेक्वाजा का पावर। हाँ मैंने अंडरस्टिमेट भी नहीं किया था, मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आरसीएस से भी स्ट्रॉन्ग है, जो बंदे बोलते हैं ना आरसीएस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेगा रेक्वाजा उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप गूगल करके देख सकते हो, और स्पेशली उसके स्टैट्स देख लो, अटैक वगैरह सब कुछ ज़्यादा है, ठीक है। आरसीएस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत सारे पोकेमोन है, मेगा रेक्वाजा है, मेगा कायोगर है, बहुत सारे। जो भी हो यहाँ पे यार चारिज़ार्ड मैंने सिलेक्ट किया था, वो यहाँ पे यार मेगा इवॉल्व कर दिया था भाई। जो भी हो भाई मतलब मेगा इवॉल्व करने के बाद भी वन शॉट, भाई कोई मतलब ही नहीं बनता यार, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेगा रेक्वाजा। भाई मेरे पास रेक्वाजा भी नहीं है, मेगा रेक्वाजा तो दूर की बात है, इसलिए बोलते हैं ना मैं नूबड़ा का नूबड़ा ही रहूँगा इस गेम में हमेशा के लिए, ठीक है।
और जो भी हो गाइस, ये जो दो फाइट थी बहुत ज़्यादा कमाल की फाइट हुई, खतरनाक वाली। और पहली फाइट तो मैं जीता और सेकंड फाइट एसडी भाई जीते। और जो फाइट है, पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए भाई जो मैच है वो टाई में माना जाएगा, यानी कि सेम पॉइंट्स है, एकदम टाई है, ठीक है। और जो भी हो भाई, मज़ा आ गया हमारे सब्सक्राइबर के साथ बैटल करके। तो भाई तुम भी मेरे साथ बैटल करना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, ज़रूर से मैं करूँगा। और वीडियो पसंद आई हो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी तक ऑन नहीं किया है, क्या कर रहे हो यार, कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं हर रोज़ लाता रहता हूँ। और DML की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।